इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। शहर में लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन सक्रिय रूप में नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने एटीएम मशीन से धोखाधड़ी कर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह का एक सक्रिय सदस्य आरिफ पुत्र शमीम निवासी अशोक विहार को पुलिस ने रंगे हाथ गाजियाबाद से धर दबोचा। आरोपी भोले भाले लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी के पास 30 एटीएम कार्ड एवं 2500 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई अन्य लूट की घटनाओं को अंजाम देना भी कबूल किया है। आइए जानते हैं क्या कहना है एसपी सिटी अखिलेश नारायण का। इसमें एक अभियुक्त आरिफ नाम का गिरफ्तार किया गया। इसके दो साथी और हैं जो गाजियाबाद के उही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 30 अदद एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। कुल 21 घटनाओं से संबंधित इनसे जानकारी मिली है, जिसके आधार पर संबंधित जिलों के जो गाज़ियाबाद के हैं, नोएडा के हैं, दिल्ली के हैं व आसपास के अन्य कई जिलों के हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, जिससे वो भी अपने मुकदमों में इनका रिमांड बनवाएं, इनसे पूछताछ करें। एक शातिर ये गैंग है, काफ़ी दिनों से सक्रिय था, काफ़ी लोगों से इस तरीके से ठगी करता था और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित तौर पर ऐसी घटना पर अंकुश लगेगी और इसके लिए जो टीम है, पुलिस की टीम है प्रतापपुर थाने की, उस टीम को 20,000 रुपये से पुरस्कृत करने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई है। सर, किस तरीके से ठगी करता था? एक तरह से वहाँ चीटिंग करते थे और कई बार इसको निकाल भी लेते थे लोगों के पॉकेट से, और कई बार एटीएम में घुस के बताने के बहाने कि आपको नहीं आता है, हम बता देते हैं, कई बार फंस गया। इस तरीके से तमाम प्रकार का प्रयोग करके एटीएम को अपने कब्जे में कर लेते थे। एक हैं आरिफ, जो मैंने आपको नाम बताया, और जैसा मैंने आपको बताया कि दो इसके और साथी हैं जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वांटेड हैं। तो ये कुल तीन की जानकारी है, और भी अगर इसमें होंगे पूछताछ से आएगा तो उनके बारे में भी जानकारी करके कार्रवाई की जाएगी।